हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नेम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल का क्या मतलब है बेटा? ट्राइंगल, ट्राई का मतलब थ्री एंगल, जिसमें जिस फिगर में हमारे पास थ्री एंगल हैं उसको बोलते हैं ट्राइंगल। अब ट्राइंगल जो है बेटा, हमारे पास थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन से जो फिगर फॉर्म हो रही है, क्लोज्ड फिगर, उसको आप बोलते हैं ट्राइंगल। अब ए बी सी आपके पास थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस, आप देख रहे हैं ये हमारे पास थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ओके। तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये हमारे पास क्या है? ट्राइंगल, ओके। यहाँ से हमारे पास ये लाइंस जा रही हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास एक क्लोज्ड फिगर, ओके। यहाँ पे बीच में हमारे पास क्या है? एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब आपके पास थ्री जो साइड्स हैं, तो हमारे पास थ्री साइड्स हैं इसकी, ए बी बी सी एंड सी ए। तो थ्री इसके वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस है ए बी एंड सी। अब थ्री इसके एंगल हैं आपके पास। थ्री एंगल कौन कौन से हैं आपके पास? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ओके। तो ये आपके पास क्या हो गया? एक क्लोज फिगर जो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन से फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ट्राइंगल। अब आपने जो कंसेप्ट पढ़ना है इसमें नेक्स्ट वाला, वो है आपके पास सेकंड वाला, कॉन्गुरेंस, कॉन्गुरेंस ऑफ ट्राइंगल। अब बच्चे ट्राइंगल तो आपने पढ़ लिया, कॉन्गुरेंस का क्या मतलब है? कॉन्गुरेंस का मतलब वो है जब हमारे पास सेम साइज़ हो फिगर का, सेम ही उसकी शेप हो, तो उसको आप बोलेंगे कॉन्गुरेंस, ठीक है। जब आपके पास टू फिगर, जैसे आपके पास ये स्क्वायर है, ओके, स्क्वायर की आपको पता है फोर साइड्स होती हैं, इसके अंदर के जो इंटरनल एंगल हैं वो 90 डिग्री हैं। अब आपके पास ये फिगर है, ये फिगर है आपके पास, फाइव फाइव साइड है ये, तो क्या ये आपके पास आइडेंटिकल होगी, सेम होगी? नहीं, ये वाली फिगर आप नहीं लेंगे। आपके पास आइडेंटिकल फिगर वही होगी जिसकी साइड क्या होगी? फोर होगी। जिसकी साइड क्या होगी? फोर होगी। तो ये आपने स्क्वायर फॉर्म में लिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ट्राइंगल की। अब ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। इसमें आपके पास ये एंगल्स हैं। अब दूसरी फिगर आपने ली है यहाँ पे आर पी क्यू, ये आपने फिगर लिया है, ठीक है, आर पी क्यू। अब ये हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 4.5 सेंटीमीटर है, अब ये 5 है और ये 4 है। अब ये फिगर क्या आइडेंटिकल है? है, यस yes। कैसे फिगर आइडेंटिकल है? क्योंकि ए बी जो है वो कवर कर रही है पी क्यू को। ए बी साइड किसको कवर कर रही है? पी क्यू को। अब बी सी साइड जो है किसको कवर कर रही है? क्यू आर को। और सी ए साइड जो है किसको कवर कर रही है? आर पी को, ठीक है। आपको फिगर जो है उस तरह से आइडेंटिकल होगी कि आपकी ये सेम साइड, ये जो ए बी साइड है वो पी क्यू को कवर कर रही है, ठीक है। कोई भी साइड नहीं आ जाएगी। जैसे ये फिगर है, अब ए बी सामने है आर पी के, तो ये फिगर आप ए बी इक्वल टू आर पी नहीं लिख सकते, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जैसे ये ए आपने दिया ए बी सी, तो इसके सामने जो आइडेंटिकल फिगर हो जाएगी सेम, वो आ जाएगी पी क्यू आर। अब यहाँ पे हमारे पास 4.5 था, 5 था, ये 4 था। पी क्यू आपके पास 4.5 है, क्यू आर 5 है और आर पी आपके पास 5 है। ये फिगर जो है आपके पास सेम फिगर होगी, ठीक है। तो यहाँ इसके एंगल जो है, ये ए एंगल जो है पी को कवर करेगा, बी एंगल जो है क्यू को कवर करेगा, सी एंगल जो है वो आर को कवर करेगा, ठीक है। तो ये वाली जो फिगर होगी क्या होगी? आइडेंटिकल। ये भी फिगर आइडेंटिकल है, बट लिखने में जब आप लिखेंगे तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट का साइन है ये वाला, इज इक्वल टू, ऊपर आपने इस तरह से क्या करा है? एस डाला है उल्टा, ठीक है। तो ये आ गया ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो मतलब ए बी पी क्यू, बी सी
क्यू आर एंड ए सी, सॉरी सी ए, तो उल्टा आ जाएगा यहाँ से, सी ए किसको कर रहा है, आर पी को, ठीक है। इस तरह से आपके पास साइड जो है क्या होनी चाहिए, ए कवर होनी चाहिए, ओके। तो ये आ गया आपके पास कॉन्ग्रुएंट का जो रूल है, जिसमें आपके पास आप बता सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से ये फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर बेटा ये हो सकता है, हमें अब हम इसके रूल पढ़ेंगे कि किस किस वे से हमारे पास जो है फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है, बट आपने ये देख लिया टू फिगर जो हैं आइडेंटिकल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, कैसे हैं, जब उनके पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है आपके पास, जब आपके पास फिगर टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, उसके अदर पार्ट जो हैं वो क्या आ जाएंगे, कॉर्स अदर पार्ट को आप बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में बेटा आ सकता है, जैसे क्वेश्चन में हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्रायंगल, ठीक है, उसके थ्री पार्ट्स जो हैं हमने कॉन्ग्रुएंट से बता दिए, जो भी रिमेनिंग पार्ट रहेंगे उस ट्रायंगल के, वो आप क्या कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट करके वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप दे सकते हैं, इन केस हमारे पास ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अदर पार्ट जितने भी अदर पार्ट रह गए, अदर पार्ट जो होंगे वो क्या होंगे, वो सी कॉर क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग, उसको क्या बोलेंगे आप, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट और अदर पार्ट और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसी की शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या है, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल, इसके ये टू पार्ट्स बता दीजिए, तो नेक्स्ट टू पार्ट जो आपके होंगे जैसे बी सी और पी क्यू आप दे सकते हैं, आपको पूछा जाएगा लास्ट में बी सी इक्वल पी क्यू, तो आप लिखेंगे बी सी इक्वल पी क्यू बाय सी पी सी टी, ठीक है, ये आ गया आपके पास। चलिए अब आपके पास जो कॉन्ग्रुएंट के रूल हैं वो किस तरह से लगेंगे वो आप पढ़ेंगे, तो नोट कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फर्स्ट जो कॉन्ग्रुएंट का रूल है वो है एस ए एस, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास कैसे रूल लग सकता है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल। अब एस ए एस कैसे, जैसे हमारे पास ये टू ट्रायंगल हैं, ठीक है, टू ट्रायंगल होंगे आपके पास, ओके बेटा। अब टू ट्रायंगल में एस ए एस मतलब टू साइड के बीच इंक्लूडेड एंगल, ये टू साइड होगी, ठीक है, इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल जो है वो आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, ये आपके पास पी क्यू आर, तो ये आपके पास ए बी, आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू पी क्यू, कैसे लिखेंगे आप, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो हमारे पास ए बी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा पी क्यू के, ठीक है, एंगल इसका ए बी सी इक्वल हो जाएगा पी क्यू आर के, फिर हमारे पास साइड, साइड क्या है, बी सी इक्वल हो जाएगी क्यू आर के, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है बेटा, क्या होंगे, गिवन होंगे आपके पास, गिवन होंगे या कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, गिवन होंगे कुछ, आपने जो रूल्स पढ़े हुए उससे कुछ इक्वल आ जाएंगे आपके पास, तो लास्ट में आप लिख लेंगे यही वाला ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर बाय किससे, एस ए एस रूल से, ठीक है, ओके बेटा। तो इसी से अगर हमें दूसरा कोई पार्ट देना है ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट, बाय सी पी सी टी से आ जाएगा, जैसे हमें बोला जाएगा ए सी पी आर इक्वल हैं, तो आप लिखेंगे ए सी इक्वल पी आर बाय सी पी सी टी,
ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके बेटा, ये हो गया आपके पास। अब सेकंड रूल है ए एस ए। अब ए एस ए कॉन्ग्रुएंट रूल का क्या मतलब, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल दिया गया है, दूसरा ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। अब एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल के इंक्लूडेड साइड है। अब ये टू एंगल है आपके पास, इसके बीच की ये साइड, ठीक है, ये गिवन होगा कुछ कुछ आपको गिवन, जो आपने पढ़ा हुआ उसके थ्रू आप कर लेंगे उसको इक्वल, ठीक है, उस वे से आपके पास आ जाएगा। थर्ड आपके पास है ए एस ए रूल हो गया, और है आपके पास डबल ए एस। डबल ए एस मतलब ये ट्राइंगल है आपके पास, इसमें अब हमारे पास जैसे यहाँ पे आ रहा था एंगल साइड एंगल, मतलब टू एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड है, अब यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है, तो यहाँ पे क्या रूल है, कोई भी दो एंगल आपके पास, कोई भी टू एंगल आ जाएंगे तो हमारे पास कोई भी आपके पास थर्ड साइड आ जाएगी, ठीक है, टू ट्राइंगल के दो एंगल और थर्ड साइड इक्वल, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब फोर्थ है आपके पास एंगल अपोजिट टू, क्या है ये थ्योरम है आपके पास। अब आपको थ्योरम प्रूफ करने तो नहीं आएगी अब, ठीक है, तो बट आपको ये जो है फॉर्मूलेस के देखने हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, तो अब आपको बोला एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, हमें इक्वल साइड हैं आइसोसेलेस में ए बी और ए सी, तो इनके बेटा साइड के अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। ए बी के अपोजिट एंगल है ए सी बी, और ए सी के अपोजिट है ए बी सी, तो ये इक्वल आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास आइसोसेलेस की साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो ये थ्योरम आपकी ये प्रूव्ड है। तो इसी के बाद है हमारे पास फिफ्थ वाली। फिफ्थ वाली क्या है, अब साइड्स अपोजिट, अब आपको एंगल अपोजिट किया आपने, अब साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, अब आपको इक्वल एंगल्स दिए होंगे तो आप क्या करेंगे, उसकी साइड्स इक्वल कर लेंगे सेम ऐसे ही। तो हमें एंगल जैसे बी इक्वल सी दिया है, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ए सी, और इसके ए बी, ठीक है, ये आप दे देंगे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एस एस ट्रिपल एस, ठीक है, ये हमारे पास कितने रूल हुए, ये फोर हो गए। अब फिफ्थ वाला रूल है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल। ट्रिपल एस का मतलब तीनों साइड जो ट्राइंगल की हैं आपके पास वो इक्वल आ जाएंगी। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कुछ गिवन होंगी, कुछ आप क्या करेंगे, कुछ कॉमन आ जाएगी आपके पास, ठीक है, तो हमारे पास फिफ्थ रूल जो है वो है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ए बी सी डी, ये साइड इक्वल होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये कॉमन आ गई, ठीक है, अगर डी मिड पॉइंट दिया है तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई। ओके, इस तरह से हो जाएगा आपके पास। सिक्स आपके पास रूल है आर एच एस कॉन्ग्रुएंट रूल। अब आर एच एस क्या है आपके पास, राइट एंगल रूल है ये, बोलो राइट एंगल, जैसे ये मैंने अभी फिगर बनाई, ठीक है, अगर आपको बीच का एंगल जो है ये वाला ए डी परपेंडिकुलर कर दिया, परपेंडिकुलर हो गया तो 90 डिग्री हो गया, तो ये भी 90, तो यहाँ पे रूल क्या लगेगा, आर एच एस राइट एंगल हाइपरटन्यूज साइड, ये हाइपरटन्यूज, ये राइट एंगल, अब साइड ये कॉमन आ गया आपके पास, ठीक है, चलिए ये साइड कॉमन आ गया आपके पास, ये हो गया आर एच एस रूल। और हमारे पास आई थिंक आपकी इंट्रोडक्शन यहीं तक थी। ओके, तो होप आपको इंट्रोडक्शन इसकी क्लियर हो गई होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।